भारत और इतिहास में इससे बड़ा आदमी किसी ने देखा नहीं है। फॉलोइंग की मैं बात कर रहा हूं, भुवन बाप बेबी की वाइस आ जाओ। दिस मैन इज अल्टली वाइस, थोड़ा अंदर आओ भाई। दिस ग्रेट जेंटलमैन, टेल यू समथिंग, मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी जब मैं जारा के कोई दुकान में गया था। yes. कपड़े खरीदा था, मेरे को किसी ने बोला ये आदमी, मैंने कहा ये आदमी है। सो आई माय इग्नोरेंस, आई डिड नॉट नो सच अ बिग स्टार दैट ही वाज एट दैट टाइम। बट ढाई साल में जो तुमने कर दिया भाई, करिश्मा कर दिया है। यू हैव कितने बिलियन फॉलोअर्स हैं अभी, क्या 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 है लेटेस्ट काउंट? 8 मिलियन के आसपास। 8 मिलियन मतलब कि 80 लाख, 80 लाख फॉलोअर्स है। 80 लाख रुपए बैंक अकाउंट में भी आ चुके अब, है ना, इससे एक्चुअली ज्यादा आ चुके। बट यू चेंज द फेस ऑफ व्हाट, यू चेंज द फेस ऑफ व्हाट यार, जो लोग बोलते हैं ना व्हाट टू डू ऑन यूट्यूब, दुनिया को लगता है कि यार मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ ना, मेरे 10,000 लाइक्स आ गए, ऐसा नहीं करना होता है यूट्यूब। यू चेंज हाउ इंडिया इज परसीव्ड, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। या मतलब लोगों को पहले लगता था कि वीडियो बनाने के लिए यू नीड हैवी कैमरा, बहुत महंगा कैमरा चाहिए होता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे को पता नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं था फ्रेंकली कि मैं ये सब करने वाला हूँ। आई जस्ट मेड अ सटायरिकल वीडियो और वो क्लिक कर गया। और तुम गाली भी बहुत देते थे। हाँ, तब मैं तब तो डड़ाले से एकदम फुल ऑन, क्योंकि जनता भी देखना चाहती थी, लेकिन लेट्स प्ले अलोंग गंगा हाथ धो। तो फिर उसके बाद फिर फोन पे ही, आज भी सारे वीडियोस 119 वीडियोस हैं, सब फोन पे। Everything on your everything phone. Everything on phone and handheld phone. I have not even bought a camera. But he scripts everything himself. पता है इसका कोई scripter नहीं है, ये खुद scripting करता है। तुम बहुत कमाल के singer हो, तुम बहुत अच्छे actor भी हो। But कई बार मुझे लगता है कि you know the way you're growing like this, लोग किसी को follow करते हैं। You got nobody to follow. तुम सबसे आगे हो, तो वो danger भी रहता है कि गिर भी सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। कोई team जो बना रखी है, तो how are you staying ahead of the game यार सोरा? Must be some thought with it. There's no thought to it. It's like वो शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उसमें उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोली थी, वो इतनी सही लगी मुझे कि he said कि I am a horse with blinkers now. तो अगर मैं इधर तो देखूंगा ना कि कौन आगे निकल रहा है, तो मेरी ऐसे जैसी हो जाएगी, मैं वही देखता रह जाऊंगा, इतने में वो आगे निकल जाएगा। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। आप इतनी दूर जर्नी करके आए हो, उसके बाद आपके पीछे मुड़ के देखोगे तो आप में वो एक ईगो आ जाएगा। और बेस्ट बात पता है क्या, देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ टीवी एक माध्यम था जहां पे बड़े पर्दे पर या फिर लोगों के सामने आ सकते थे। यू हैव चेंज दैट गेम फॉर इंडिया, नाउ यू रिप्रेजेंट इंडिया, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे बड़े फोरम्स पर। सो व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज दैट यू सी? भारत में भारतीयों के लिए रिस्पेक्ट है, इंडियन यूट्यूबर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है यार। बाहर जब मैं जब बाहर जाता हूँ किसी समिट के लिए, तो वहां पे जब वो कहते हैं ना कि वी आर भुवन बाम फ्रॉम इंडिया, मतलब वो एक ऐसी फीलिंग आती है, वो सीट से उठने का स्टाइल चेंज हो जाता है, वो यार एकदम टाइकून वाली फीलिंग आ जाती है। बट इट इज ट्रू। और दुनिया में यू नो लॉट ऑफ पीपल, डू यू फील लाइक आवर कंटेंट, आई थिंक इज द मोस्ट कलरफुल कंटेंट। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें गाने बड़े वो एलैबोरेट बना देते हैं। हमारे आई थिंक सस्ता टिकाऊ बेस्ट लुकिंग कंटेंट हमने बनाए इतने बजट में। इट्स लाइक अ यशराज फिल्म, महेश भट्ट फिल्म, वी आर अ महेश भट्ट फिल्म, बिल्कुल कम बजट में ज्यादा दिखाना। कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है ना अपने पास, इतना सब कुछ है। बाहर के बाहर वाले लोग जब हमारी फिल्में देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि अचानक सब एक साथ सिंक्रोनाइज है ना, ऐसे नहीं क्यों लगे। बट ये तो अपना टेस्ट है, यही अपना फील है, एंड इट्स वर्किंग बिग टाइम। प्लस हमारे इट्स वर्किंग गजिलियन जो पॉपुलेशन है हमारी, जाते जाते एक टिप अगर तुम छोड़ना चाहोगे हमारे तमाम व्यूअर्स के पास, जिनको लगता है कि हर किसी के अंदर एक यूट्यूबर है, नो यू आर रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई नहीं बन सकता, और ये यूट्यूब लाइक्स के साथ ना आपके पैसे नहीं बनेंगे। हर किसी को लगता है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम यूट्यूबर, कैसे पैसे कमाने? YouTube से पैसे आते सर, पैसे YouTube से। सर बताओ सर, दूर के ढोल सुनाने जो दिखता है, एक तो गूगल ने करा रखा है सबका दिमाग खराब। गूगल पे कोई वेबसाइट है तो वो सबकी फेक इनकम बताती है, एस्टिमेटेड इनकम। भाई तुम्हें 25 लाख रुपए महीने का मिनिमम कमाते हो, तो ऐसे बताया गया है 25 लाख पर मंथ मिनिमम, ज्यादा है। अभी भी वही रह रहा हूँ, मेरा 1 BHK में, मेरा कुछ सोचो कुछ पैनामा पेपर्स में भुवन बाम का नाम आएगा, स्टेइंग इन 1 बेडरूम बट एक्चुअली गोइंग समवेयर एल्स। तभी अमेरिका ज्यादा जाते रहते हैं आजकल। जाने से पहले एक टिप कोई भी बडिंग यूट्यूबर को क्या देना चाहोगे? किसी की देखा देखी मत करो प्लीज। आप अपना कंटेंट करो, देखा देखी बहुत चल रही है आसपास, तो थोड़ा अलग करोगे, जनता को अलग पसंद है और आज के टाइम में अलग एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप कुछ स्टैंड आउट और कीप डूइंग योर वर्क एंड स्टे ट्रू टू योर वर्क। एंड इफ यू कांट बी डिफरेंट, गो बैक टू योर अदर जॉब। डोंट बी अ यूट्यूबर, आप वापस चले अपने पुराने जॉब में, जैसे कि हम लोग चले गए। हमने यूट्यूब चैनल चालू किया, रियलाइज किया कि ज्यादा लोग नहीं आ रहे। ओके बाय, चलो भाई, थैंक यू सो मच, मे यू रिप्रेजेंट इंडिया एंड मे इंडिया बिकम इवन बिगर। एक दिन क्या पता यार, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकता है, यू नेवर नो ब्रो। रेडियो सिटी।